नमस्कार दोस्तों, GK24 टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ग्रुप फोर असिस्टेंट ग्रेड थ्री की जो हमारी प्रीवियस ईयर की क्लासेस चल रही है, उसका हमारा ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम कंप्यूटर को सोल्व कर रहे हैं। इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि कंप्यूटर का क्या लेवल दिया जा रहा है और आगे क्या लेवल दिया जाएगा। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, पॉम टॉप कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल 2010 में एक्सेल स्टाइल ऑप्शन में जाकर मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ये होम टैब में मिलेगा आपको। सेल स्टाइल ऑप्शन कहाँ मिलेगा? होम टैब में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएस एक्सेल 2007 में वर्कशीट में आउटलाइन सेल को के रूप में जाना जाता है, एक्टिव सेल के रूप में, मतलब कि जब आपकी सेल एक्टिव होती है, मतलब जो इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप काम कर रहे हो सिस्टम पे और जो एक्सेल के अंदर हमारी जो सेल एक्टिव होती है, जिस टाइप से ऐसी सेल होती है, ठीक है, जो बोल्ट होती है बिल्कुल ब्लैक कलर में, उसका मतलब यही, कहने का मतलब यही है कि वर्कशीट में आउट लाइन सेल, जो मतलब कि जो आउट लाइन होती है सेल के अंदर, वो कौन सी सेल होती है हमारी, वो एक्टिव सेल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2007 में एक सिंगल स्प्रेडशीट में हो सकते हैं, मतलब कितने रो और कॉलम हो सकते हैं एक सिंगल स्प्रेडशीट में? आपके 10 लाख से अधिक रो और 16,000 से अधिक कॉलम हो सकते हैं उसमें। ठीक है, क्वेश्चन होगा, एमएस एक्सेल 2007 में एक टेम्पलेट का उपयोग के मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यहाँ वर्कबुक लेआउट में बार बार उपयोग किया जाता है, मतलब बार बार उपयोग करने के लिए हम इसका टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में सिलेक्टेड कॉलम को हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है? कंट्रोल प्लस जीरो से आप कॉलम को हाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में थीम ऑप्शन में पाए जाते हैं, पेज लेआउट में थीम ऑप्शन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में रिबन का मुख्य संग्रह है टैप्स। ठीक है, जो रिबन का मुख्य संग्रह टैप्स है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में अधिकतम फ़ॉन्ट साइज क्या है जिसे फ़ॉन्ट के लिए मैनुअल रूप से टाइप करके सेट किया जाता है? 1638। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में आप बुलेट और नंबरिंग कहाँ ढूंढ सकते हैं? जो बुलेट और नंबरिंग का ऑप्शन होता है वहाँ आपको, ये आपको कहाँ मिलेगा? बुलेट और नंबरिंग का ऑप्शन आपका होम में मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में पोर्ट्रेट को कहा जाता है पेज ओरिएंटेशन कहा जाता है। ठीक है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। ठीक है, ये दो पेज ओरिएंटेशन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में कैरेक्टर्स को इटैलिक करने के लिए आप क्या करेंगे? आपको कंट्रोल प्लस आई से आप जो है कि इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस गलत विकल्प को चुने जो एमएस वर्ड 2007 में टेब टूल्स डिज़ाइन रिबन में उपलब्ध नहीं है, टेक्स्ट डायरेक्शन ये उपलब्ध नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में एक शब्द को दूसरे से अलग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? स्पेस बार, जब हम लिखते हैं तो आप देख रहे हैं कि वर्डों के बीच में जो ये जगह छूटी हुई है, इसको स्पेस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट है, माउस एक इनपुट है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या हो जाएगा? एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कैंसिल्ड है, जो व्यापम ने कैंसिल कर दिया इसको। सो ये हमारे 16 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। हम 17 क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं उनका पोर्शन लेकर आ रहे हैं, और हमारी और भी सीरीज चल रही है, जैसे जनरल नॉलेज का प्रीवियस ईयर का पोर्शन अलग चल रहा है, कंप्यूटर का अलग चल रहा है, इस टाइप से सभी के अलग अलग पोर्शन चल रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो में अगर लंबा बनाया जाए तो स्टूडेंट नहीं देखते हैं। सो दोस्तों, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, और हमारे चैनल पे जो भी वैकेंसी आती है उसका दूसरे दिन ही अपडेट आपको मिल जाता है, उसके ऊपर फुल डिटेल में वीडियो आ जाता है, जैसे कि आप उसमें योग्यता क्या है, कौन सी डेट में फॉर्म डालना है, कब एग्ज़ाम होना है, ये सारी डिटेल्स उसमें दी जाती है। सो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।